हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन कंप्यूटर क्लासेस। एंड टुडे वी विल स्टार्ट कंप्यूटर थ्योरी क्लासेस। सो आई हैव सेंडेड वन चैप्टर ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम द कंप्यूटर बुक एंड यू हैव टू ओपन। एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन हेडिंग्स। यू हैव टू आस्क एनी टाइप ऑफ डाउट after the session of this video, okay, let's start the video। तो यहाँ पे chapter 1 open है, evolution of computers। students, evolution of computers आपका पढ़ा हुआ chapter है, कोई नया chapter नहीं है। इसका मतलब है कि computer का क्रमिक विकास कैसे हुआ है, क्या होता है computer में, किस तरीके से विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विकास की, तो आ जाते हैं introduction पे। थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा। टू बी एन एजुकेटेड सिटीजन टुडे यू मस्ट हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। आज का जो समय है वो कंप्यूटर युग कहलाता है स्टूडेंट। और यहाँ पे हम सभी को, जितने भी लोग हैं उन वो कैपेबल हैं कंप्यूटर की बेसिक ऑपरेशन। ज़्यादातर लोगों को आती है कि कंप्यूटर क्या काम करता है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिना, आज के बिना जो लोग हैं उनका काम ही नहीं चल पाएगा। द वर्ड कंप्यूटर मे बी यूज फॉर एनी डिवाइस डैट मे बी एम्प्लॉयड कंप्यूटर और टू कैलकुलेट। यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर का जो नाम है हम लोग कोई भी डिवाइस से ले सकते हैं। कोई भी डिवाइस है जो कैलकुलेट करती है आपका काम, आपका काम आसान करती है। तो ये कंप्यूटर कैलकुलेट से ही आया है, तो वही नाम बताया गया। सच अ डिवाइस ऑपरेट्स ऑन डेटा नंबर्स टू रिस्पॉन्स देम इन टू अ मोर यूजफुल फ्रॉम इन कंटेम्प्रोरी यूजेस। तो यहाँ पे इस तरह की डिवाइस जो ऑपरेट करती हैं नंबर्स के साथ में, डेटा के साथ में, और रिस्पॉन्स करती हैं मोर यूजफुल कंटेम्प्रोरी यूजेस। बींग मशीन कंप्यूटर विल नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। आपको पता है कोई भी मशीन है तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकती, मतलब आपको चलाना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं चलाएंगे तो वो अपने आप काम नहीं कर पाएगी। इट विल डू ओनली वॉट इज इंस्ट्रक्टेड टू डू इन स्पेसिफिक टर्म्स। अगर जो आपने कोई काम दिया है वही काम कर पाएगी, और जो आपने काम नहीं बताया वो नहीं करेगी। इट इज बेस्ड ऑन अ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बट वर्क्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल एज सोन। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स वर्क जो कंप्यूटर करता है, लेकिन बेसिक क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये कंप्यूटर का बेसिक है कि आप उसको इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट हो जाएगा। साइड में आपको डेफिनेशन भी दिख रही होगी। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड एंड प्रोसेसेस इट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट इन डिजायर्ड फॉर्म। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डेटा लेती है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है और प्रोसेस करती है, और आफ्टर डैट आपको आउटपुट मिलता है, जो आप चाहते हैं डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। स्टूडेंट, करेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले पहले मैंने जो आपको IPO बताया है उसको थोड़ा सा समझ लें। IPO मैं हर साल बताता हूँ, आपको भी बताया होगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। IPO साइकिल, इसको मैं हमेशा कहता हूँ, आप याद रखिए IPO साइकिल नेम से। साइकिल तो सभी लोग चलाते ही हैं, तभी याद रहेगा। I का मतलब इनपुट, P का मतलब प्रोसेसिंग, O का मतलब आउटपुट। ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, और ये साइकिल जो है वही कंप्यूटर में चलती है। अब इस साइकिल में होता क्या है, आपने इनपुट किया कंप्यूटर को, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग में कई और भी काम है, जैसे कि MU मेमोरी यूनिट, स्टोरेज आप कर सकते हैं, स्टोरेज का काम होता है, और CU कंट्रोल यूनिट इसका पार्ट होता है। ये आप समझ लीजिए CPU, जो बीच का प्रोसेसिंग है वो कौन करता है, CPU। CU कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का सारा काम करता है, और ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये सब होते हैं। उसके बाद आउटपुट वाला पार्ट हमारा आता है। आपको सभी चीज़ें पता है, इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड माउस, प्रोसेसिंग में आपका प्रोसेसर आ जाता है, सीपीयू है सीपीयू, और आउटपुट डिवाइस एंड मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो ये क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आपको पता चल गई। अब हम बढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर की तरफ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर से मतलब है कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस और कुछ उसकी अच्छाइयाँ, या आप कह दीजिए उसके जो एडवांटेज हैं वो हमको पता होने चाहिए। फर्स्ट है क्या, स्पीड। स्पीड तो कंप्यूटर की बहुत ही तेज़ होती है, तभी वो इतना पॉपुलर हुआ। लेकिन ये बात है कि स्पीड अगर जो तेज़ होती है तो वो एक्यूरेट भी होनी चाहिए। केवल स्पीड तेज होने से मतलब नहीं है कि आपने काम तो कर दिया लेकिन वो एक्यूरेट नहीं, तो फ़ायदा नहीं होता स्पीड का। लेकिन कंप्यूटर में आपको क्या मिलता है, स्पीड मिलती है। इसकी स्पीड आपकी कई गीगाहर्ट्ज की हो सकती है और बहुत ही फास्टेस्ट स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर की। फिर बात आती है एक्यूरेसी की, तो जो कंप्यूटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। वही बात मैं कहूँगा कि स्पीड तो तेज़ है लेकिन एक्यूरेसी के साथ में अगर जो तेज़ है तभी वो डिवाइस अच्छी मानी जाती है। तो ये क्या है, एक्यूरेसी रहती है। स्टोरेज एंड रिट्राइवल, इट मीन्स कि आप स्टोर भी कर सकते हैं और आगे जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, कंप्यूटर से डेटा वापस मांग सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, आप कंप्यूटर को कोई ऐसा काम दे दीजिए जो बार बार करना चाहता है, करना हो तो वो बोर नहीं होता है, रिपीट टास्क करता रहता है। और टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर है आपको एक रिस्पॉन्स टाइम बता देता है, और दूसरा कि एक टाइम ड्यूरेशन जो होती है इसकी मिनिमम रिड्यूस व्हाइल द टोटल टाइम स्पेंड इन वेरियस डिसीजन मेकिंग, बहुत ही रिड्यूस रहती, बहुत कम समय में काम कर देता है। क्विक डिसीजन, जब भी डिसीजन लेना होता है तो ये क्विक डिसीजन लेता है। प्रॉब्लम्स आर हैंडल मोर इजीली बाय वेरियस ऑपरेशंस। सिक्रेसी, कंप्यूटराइज सिस्टम मोर सिक्रेसी इज ऑब्जर्व कंपेयर टू द मैनुअल सिस्टम। ऑल चांसेस टू लीकेज ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आर रिड्यूस। यहाँ पे कोई लीक नहीं होता है, जो भी आप इंपॉर्टेंट डेटा सेव करते हैं पासवर्ड डाल के सेव कर दीजिए, बहुत सिक्योर रहता है। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अगर जो इसकी आपको लिमिटेशंस की बात करें कंप्यूटर की, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला है नो आईक्यू, मतलब कि सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं होता है। सेल्फ इंटेलिजेंस ना होने से क्या होता है कि अपने आप ये डिसीजन नहीं ले पाएगा कि क्या सही है क्या नहीं। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिवाइसेस हैं वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाती, भले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएं चाहे कुछ हो जाए, वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाती क्योंकि उनके अंदर आईक्यू है नहीं, क्या सही क्या नहीं। उनको टास्क मिला है वो टास्क वो करेंगी, आईक्यू नहीं है उनके अंदर। तो ये सबसे बड़ा एक लिमिटेशंस का पार्ट रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स की तरफ। अभी मैंने आपको बताया इनपुट और सीपीयू में आपका मेमोरी सीयू एलयू आता है, फिर आउटपुट। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो जाते हैं, फॉलोइंग कंपोनेंट्स जैसे मेमोरी स्टोर टेम्परेली डेटा एंड प्रोग्राम्स स्टोरेज डिवाइसेस इनपुट एंड आउटपुट। तो ये आपका क्या हो जाते हैं, सारे कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट आपको मैंने बताया है, कंप्यूटर और इनपुट डिवाइसेस जो डेटा इनपुट करते हैं, जिन डिवाइसेस से वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जिन डिवाइसेस से डेटा वापस आता है, जैसे स्पीकर है, प्रिंटर है और आपका मॉनिटर है, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेसिंग का काम करता है और इसको हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। अब व्हाट डज द सीपीयू डू, सीपीयू क्या क्या काम करता है। सबसे पहला क्या है, कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस टेल्स द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम व्हाट टू डू, कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लेता है यूज़र से और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है। परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हैं उनको भी कर लेता है। होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच आर इन
करंट यूज, जो करंट यूज में डेटा इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें क्या है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन का काम होता है। कि आपने कोई कैलकुलेशन करना है तो ALU से ही करेंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का सारा काम ALU से होता है। यहाँ पे देखिए, ये अच्छा सब फिगर बना के दिखाया गया है कि किस तरीके से इनपुट हुआ, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और बैकिंग स्टोरेज भी रहता है। आउटपुट उसके बाद में आता है, डेटा फ्लो होता रहता है। फिर बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ऑल द डिवाइसेज जो अटैच होती हैं कंप्यूटर से, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए साइड में छोटी सी डिफिनेशन भी दी हुई है, कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस लाइक इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेस। दिस यूनिट इंस्ट्रक्ट द ALU व्हिच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। सारी जितना भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, सबको कंट्रोल करने का काम CU करता है, और ALU को ये बताता है कि कौन सा आपको वर्क करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है। बात करते हैं मेमोरी पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि मेमोरी यूनिट। द मेमोरी यूनिट स्टोरेज सेलेक्ट द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ द डिवाइसेस यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन डैट विल बी यूज ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन। मेमोरी डिवाइसेस आर कंस्ट्रक्टेड सो डैट इज पॉसिबल फॉर द कंट्रोल यूनिट टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी। जब भी हम लोग वर्क करते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो प्राइमरी स्टोरेज पे रहता है, जैसे रैम पे रहेगा, और अगर जो आप उस डेटा को सेव कर देते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी यूनिट, मतलब कि आपके हार्ड डिस्क पे या फ्लैश ड्राइव पे, मतलब USB में। तो यहाँ पे आपका क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये आपकी टू टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे डेटा होल्ड रहता है और ये मेमोरी का ही पार्ट रहता है। फिर बात आती है कि मेमोरी यूनिट्स, जो हमारी मेमोरी है उसको हम लोग कैसे मेजर्स करते हैं, मतलब कि नापना तो है ही कि मेमोरी किस तरह से सेव हो रही है कंप्यूटर में। सबसे पहला आता है निबल, 4 bits from 1 nibble। देखिए जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है वो होती है बिट, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बिट्स होती है, तो इसको बाइनरी डिजिट भी हम लोग बोलते हैं। और इसमें क्या आता है, 0 and 1, ये दो आते हैं, 0 मतलब कि ऑफ, 1 मतलब ऑन, तो 0 और 1 आते हैं। उससे ऊपर होता है निबल, 4 bits का पार्ट होता है निबल का। तो 4 bits में आपके मतलब 0 और 1 4 आ जाएंगे। फिर आते हैं बिट्स, बिट्स मैंने आपको बता दिया 0 and 1। फिर आते हैं बाइट, बाइट इज 8 bits ऑफ द मेमोरी। अ बाइट इज यूनिट ऑफ मेजर द कंप्यूटर मेमोरी, 1 byte इज ऑलवेज मेड अप 8 bits। अगर तो 1 byte इक्वल टू कितना होगा, 8 bits, 8 bits को मिला देंगे 1 byte बन जाएगा। ये सब मेमोरी यूनिट्स हैं कि कंप्यूटर में डेटा जो स्टोर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। फिर हम लोग किलोबाइट, KB को हम लोग जानते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर आपने देखा होगा। तो यहाँ पे 1 KB इक्वल टू 1024 bytes, 1 KB इक्वल टू किलोबाइट इक्वल टू 1024 bytes, या 2 की पावर 10 bytes आप बोल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और भी जो मेमोरी यूनिट्स हैं उनको देखते हैं। फिर आ जाता है MB, जिसको हम लोग कहते हैं मेगाबाइट्स, मेगाबाइट्स। तो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी इसकी क्या होती है, 1 MB इक्व टू 2 की पावर 20 bytes, या आप इस तरीके से देख लेते हैं, 1024 KB, कि 1 MB इक्व टू 1024 KB।
मेगाबाइट एमबी इक्वल्स टू 1024 क्या केबी। ये सिंपल लगेगा आपको समझने में। फिर 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में आ जाते हैं तो 1 जीबी इक्वल्स टू यहाँ पे 1024 क्या हो जाएगा एमबी मेगाबाइट। फिर नेक्स्ट है कि 1 टेराबाइट, टेराबाइट जो आपकी हार्ड डिस्क इस समय मिल रही है वो टेराबाइट टीबी में ही मिल रही हैं, 1 टीबी 2 टीबी की। तो यहाँ पे 1024 जीबी, और ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो आप कैपेसिटी है कि स्टोर कर पाते हैं। इसके आगे नॉर्मल कंप्यूटर में आप नहीं लेते हैं पेटाबाइट, 1 पीबी पेटाबाइट जिसको आप बोलते हैं, 1 पेटाबाइट इक्वल्स टू कितना 1024। ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग टीबी, 1024 टीबी। नेक्स्ट आते हैं फिर आगे की मेमोरी यूनिट्स हैं जेटाबाइट एंड योटाबाइट, तो इनको अभी बहुत ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक आप देख लीजिए आपके यूज़ के लिए है। तो यहाँ पे जेटाबाइट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10^72 bytes, 1 जेटाबाइट इक्वल्स टू 2^70 bytes, योटाबाइट इक्वल्स टू 2^80 bytes। तो ये आप प्रिपेयर रख सकते हैं, या तो इस तरीके से कर लें योटाबाइट वीबी इक्वल्स टू 1024 जेटाबाइट। ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे जितना मैंने आज आपको बताया है उसको आपको माइंड में रखना है, प्रैक्टिस करनी है और लर्न करना है जो भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट थ्योरी क्लास में मैं आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स भी जानेंगे कैसे होता है, क्या थी हिस्ट्री, एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।